गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जीएसटीआर 3B को जो फाइल करना है उससे रिलेटेड एक एसएमएस सब लोगों को भेजा जा रहा है आज शाम से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इवनिंग से काफी सारे लोगों के पास एक एसएमएस आ रहा है जीएसटीएन की तरफ से। मैं आपको बताने वाला हूँ वो एसएमएस क्या आ रहा है और उसका क्या मतलब है और ये एसएमएस आपके पास क्यों भेजा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है वो एसएमएस जो सारे टैक्स पेयर्स को जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं एज अ रेगुलर टैक्स पेयर उनके पास आया है। ये है, डियर टैक्स पेयर, हैव यू फाइल्ड योर जीएसटी आर 3B रिटर्न? इफ नॉट, फाइल नाउ टू अवॉइड द रश ऑन द लास्ट 2 डेज। अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी जीएसटी आर 3B की रिटर्न अगर अभी तक फाइल नहीं करी है तो आप अभी कर लीजिए, लास्ट के 2 दिन जो है उसकी जिम्मेवारी जीएसटीएन की नहीं रहने वाली। लास्ट के 2 दिन में अगर पोर्टल नहीं चलेगा तो उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की नहीं है, जीएसटी पोर्टल की नहीं है। आपको 2 दिन से पहले ही अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर लेनी है। अब ये एसएमएस क्यों भेजा जा रहा है इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं। जब आपको ध्यान होगा अक्टूबर महीने की, आप लोग नवंबर महीने में रिटर्न फाइल कर रहे थे, उस टाइम पे जो 17, 18, 19 और 20 तारीख को रिटर्न लगाए होंगे उनको ये चीज पता होगा कि कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी जीएसटीआर 3B को फाइल करने में। और उसके बाद जीएसटीएन ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये एसएमएस क्यों भेजा जा रहा है। ये है हमारे पास जो स्टेटमेंट इशू किया गया था जीएसटीएन की तरफ से ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B अक्टूबर 2019 के प्रस्पेक्टिव में। ये आया था 20 नवंबर को। इसके अंदर इन्होंने बताया, सर्टन कंप्लेंट्स मेड यस्टरडे ऑन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग जीएसटीएन सिस्टम नॉट फंक्शनिंग आर इनकरेक्ट। मतलब जब अक्टूबर की 3B फाइल हो रही थी तो उसमें कंप्लेन किया गया था कि पोर्टल जो है सही नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जीएसटीएन ने बताया था कि वो जो कंप्लेंट्स हैं वो ठीक नहीं है, मतलब उनका पोर्टल ठीक ठाक चलता है। और आज ये एसएमएस भेज रहे हैं कि लास्ट के 2 दिन आप मत वेट कीजिए, उसमें रश रहता है, हमारी वेबसाइट की गारंटी नहीं है। GSTN assures that the GST return filing system was working within the expected limits. और ये जो भैया अपनी लिमिट है 1.5 लाख की, वो उसी के लिमिट के अंदर काम करेगा, उसके ऊपर अगर चली जाएगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो आपको रिटर्न नहीं फाइल करने दे पाएगा। Had it not been so, how more than 11.2 lakh GSTR 3B returns could have been filed by yesterday on 19th November with about 1.2 lakh returns filed in a peak hour. अब यहाँ पे ये डेटा प्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हमारे पास अगर ऐसी चीज कोई दिक्कत होती तो 11.5 लाख GSTR 3B कैसे फाइल हो जाती और पीक आवर के अंदर 1 घंटे में 1,82,000 रिटर्न जो हैं वो कैसे फाइल हो जाती। Also on the 18th November, more than 8 lakh returns were filed, while today on 20th November, more than 9 lakh returns were filed by 4 PM. और यहाँ पे 4 बजे तक 9 लाख से भी ज्यादा returns जो हैं 20 तारीख को फाइल हो चुकी हैं। जब इतनी सारी रिटर्न फाइल हो रही हैं, तो पोर्टल अगर गलत होता तो ये सारी फाइलिंग कैसे होती। इनका ये कहना है अगर आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे वो आपकी गलती है, आपने लास्ट डेट का वेट किया है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा, एंड फाइलिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ विथ 6 लाख रिटर्न्स फाइल्ड बिटवीन 12 to 4 PM। इन्होंने बिल्कुल घंटे घंटे का हिसाब रख रखा है आपके लिए कि भैया इस घंटे इतनी रिटर्न फाइल हो गई है, आप नहीं कर रहे वो आपकी गलती है, ड्यू डेट गया भाड़ में। एनी ऑनलाइन सिस्टम हैज टू हैव अ लोड थ्रेशहोल्ड एंड फॉर द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इट इज एट 1.5 लाख रिटर्न्स फाइलिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। हर एक जीएसटी पोर्टल के जैसा कोई भी पोर्टल उसका एक थ्रेशहोल्ड होता है लोड लेने का। जीएसटी पोर्टल का थ्रेशहोल्ड 1.5 लाख रुपए का हमने रखा है। इफ दिस थ्रेशहोल्ड इज रीच्ड देन द साइट शोज अ मैसेज आस्किंग द टैक्सपेयर टू वेट फॉर हिज टर्न इन अ फ्यू मिनट। 1.5 लाख तक अगर पहुंच जाता है तो आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ता है और उसके बाद आप फाइलिंग कर सकते हैं। Referring to the complaints, it is stated that it could have been possible that some filers may have momentarily experienced being logged out at the load of 1.5 lakh returns at a particular point of time or some difficulty due to any local issue at the taxpayer filer's end. मतलब आपके ही एंड पे कोई गलती हुई होगी या कोई सर्वर इश्यू होगा, इस वजह से आपको एरर दिख जाता है कभी कभी।
but the GST return filing system has been working as expected and coherently, and a total number of 55.79 lakh returns were filed by 4 pm today. Or so total jo hai 56 lakh ke kareeb GSTR3B jo hai wo file ho chuki hai. The taxpayers are requested that they should not wait till the last 3 days to their file returns. Normally there may be huge rush of return filing on these days. Rather, they should file their returns on the days other than the last 3 days to avoid rush, momentarily difficulty in the filing. मतलब आप 3 दिन का इंतजार ना करें, 18, 19 और 20 तारीख का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करें, 17 तारीख तक आप अपनी GSTR3B फाइल कर लें। कैसे फाइल करें सर? 11 तारीख तक तो हमें GSTR2A मैच करना है, उसमें 36 सब रूल 4 का 20% का कैपिंग भी देखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 तारीख के बाद फाइलिंग स्टार्ट करें, 17 तारीख से पहले फाइलिंग कर लें। जी हाँ, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का पीरियड है अपनी GSTR3B को फाइल करने के लिए। 3 दिन पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड जो है वो पार हो जाता है, काफी ज्यादा रस रहती है उसके अंदर इसलिए। और 6 दिन के लिए आपको टाइम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि 11 से पहले आप वैसे फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 आपको मना करता है कि आप ITC क्रेडिट जो है वो 20% तक ही ले सकते हैं जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए उसके रिस्पेक्ट में। तो आपको अब समझना होगा कि 12 से लेके 16 17 के बीच में आपको अपनी रिटर्न्स जो है फाइल कर लेनी है। तो अब आपके ऊपर प्रेशर जो है पढ़ने वाला है क्योंकि ये SMS इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए भेजा जा रहा है कि भैया इस बार भी यही होने वाला है, सावधान हो जाइए, पहले से ही अपनी रिटर्न्स जो है उसको फाइल कर लीजिए, बाद में हमसे मत कहिएगा, हमसे ना हो पाएगा। अब आते हैं कि अगर आपका GSTR3B में फाइल करने में कोई परेशानी आती है तो आप उसके लिए क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको डेटा इंपोर्ट करने के बाद 2A रिकंसिलेशन, साथ ही साथ जो नया रूल आया है 36 सब रूल 4, जिसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि कैसे क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली आपको ये करके देता है। इसके अंदर आप 2A का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं अप टू डेट, और उसको अपनी परचेज रजिस्टर से रिकंसाइल करने के बाद ITC जो है करेक्टली क्लेम कर पाएंगे। यूज करने के लिए साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के उसे रेफर कर सकते हैं। 30 डेज का फ्री ट्रायल है, आप इसको यूज करके GSTR3B बिफोर ड्यू डेट मतलब 17 तारीख से पहले आप फाइल कर पाएंगे, ताकि आप बाद में पोर्टल की वजह से फंस ना जाएं और आपका रिटर्न जो है लेट होने से बच जाए और आपकी लेट फी कुछ हद तक कम हो सके। क्योंकि इन्होंने SMS जो है वो अब भेजना चालू कर दिया है कि भैया 2 दिन पहले ही अपने रिटर्न फाइल कर लीजिए, 2 दिन के लिए हमें माफ कीजिए, हमारा GST पोर्टल जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा रस रहेगा, इसीलिए हम लोग अभी से क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है और काफी लोगों के पास ये SMS जो है ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, वो अपनी 3B की फाइलिंग जो है तैयारी कर लें और जितनी जल्दी हो सके उसको फाइल कर पाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।